Subscribe and click the bell icon for all the television updates. ड्रीम सीक्वेंस था फेदर के साथ खेल रहे दोनों की कायदा क्या कहेंगे? जैसे आप कभी बोलते नहीं होंगे मेरा ड्रीम सीक्वेंस क्या है। अच्छा नायरा, अच्छा बी मत करना ऐसा मैंने बोला। हाँ ड्रीम, नायरा ड्रीम देखती है कि वो बहुत खुश है और एक फेदर है जो उसके जो उसे दिखता है उड़ता हुआ, और वो उसे पकड़ना चाहती है, पर जैसे ही उसे पकड़ने जाती है या तो वो उससे दूर चला जाता है, उड़ जाता है, या मतलब वो उसके पास नहीं जा पा रही है। और वहीं पे एक हाथ आता है फ्रेम में और वो होता है कार्तिक का हाथ, और कार्तिक को फेदर लेके नायरा से दूर लेके जा रहे हैं। नायरा के लिए वो मतलब बहुत ही हैप्पी हैप्पी वाला ड्रीम ही है, मतलब शी इज़ वेरी हैप्पी इन द ड्रीम, बट इस ड्रीम पर कुछ एक राज है जो आपको बाद में पता चलेगा। अच्छा दोनों के रिश्ते को ही लेकर है शायद। एक्चुअली नायरा जो है वो पिछले जन्म में मुर्गी होती है, तो उनका जो फेदर है वो इस जन्म में एक आ गया है, और नाउ शी हैज़ टू फाइंड द रेस्ट ऑफ द फेदर्स। सो नाउ जैसे ड्रैगन बॉल जी था वैसे हम बाकी के फेदर्स ढूंढने वाले हैं। 2 मिनट का मौन। दो तीन महीने बाद बुड्ढा का रोमांस आया जो रियल है वो कहीं ना कहीं तो कहीं ना कहीं उसे दूर करने के लिए कार्तिक जो है वो नायरा को डेट पर लेकर जाते हैं। यहाँ से फिर स्टोरी जो है वो आगे थोड़ी सी एक अलग मोड लेती है, जो पूरा ढाबे पे जाना और गुंडों के पास, तो ये सब उससे पहले का उससे पहले ये सारी चीज़ें हो रही है जहाँ पे एक छोटा सा एक गुट्टा रोमांच हो रहा है। अच्छा लास्टली हम मोहसिन और शिवांगी से पूछना चाहेंगे पर्सनली, गुट्टा आपको कितना पसंद है? मैं नहीं, गुट्टा मुझे बहुत पसंद है। हम लोग मसूरी जब भी जाते थे तो हम आप वहाँ बहुत ठंड होती है, तो वहाँ ठंड के टाइम में गर्म गर्म गुट्टा खाते हैं। प्रॉपर मुंबई का यार, मुंबई में जब भी बारिश होती है तो हम तक भुट्टे खाते हैं, और द फर्स्ट रेन और बैंड्रा का भुट्टा। थैंक यू।